हेलो गाइस, मेरा नाम जीवन कुमार है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरमाइंड। सो गाइस, आज की इस वीडियो पर मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपने यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो में लॉन्ग वीडियो को ऐड कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि इससे आपका फायदा क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी सॉन्ग पे एक शॉर्ट्स वीडियो बना करके अपने चैनल पे अपलोड किया है और वो शॉर्ट्स वीडियो आपका वायरल हो चुका है, तो आप लोग सिंपली उसी सॉन्ग पर एक फुल वीडियो बना के उसमें ऐड कर दोगे तो वो वीडियो भी आपके गारंटी के साथ कहता हूँ, वो वीडियो भी आपके वायरल हो जाएंगे, जिससे आपकी YouTube चैनल की जो वॉच टाइम होता है वो भी कंप्लीट हो जाएंगे और आप अपने YouTube चैनल को इजीली मोनेटाइज कर पाओगे। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपने YouTube शॉर्ट्स वीडियो में फुल वीडियो को ऐड कैसे कर सकते हो। जानना चाहते हो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा ही वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, YouTube शॉर्ट्स वीडियो में लॉन्ग वीडियो को ऐड करने का जो फीचर है, ये YouTube स्टूडियो एप्लीकेशन या फिर YouTube ऐप में ऐसा कोई फीचर देखने को नहीं मिलता है। इस फीचर को यूज करने के लिए आपको Google Chrome ब्राउजर में YouTube स्टूडियो को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने अपने मोबाइल फोन में YouTube स्टूडियो को ओपन कर रखा हूँ Google Chrome ब्राउजर में। उसके बाद आपके सामने चैनल डैशबोर्ड ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक वीडियो मैनेजर का जो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, बस आपको सिंपली से वीडियो मैनेजर पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको उस सभी वीडियो देखने को मिल जाते हैं जिसको आपने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा है। यहाँ पे लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट्स वीडियो, वो सब कुछ देखने को मिल जाते हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए किसी एक शॉर्ट्स वीडियो में लॉन्ग वीडियो को ऐड करके दिखाता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल, मुझे इस शॉर्ट्स वीडियो में लॉन्ग वीडियो को ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं इस जिस भी शॉर्ट्स वीडियो में लॉन्ग वीडियो को ऐड करना है, बस आपको उसके ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद ये जो वीडियो है ये फाइनली यहाँ पे एडिट हो जाते हैं, जहाँ पे आप लोग सिंपली टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन ये सब कुछ लगा सकते हो। और यहाँ पर मैं इसको छोटा करके दिखाता हूँ। उसके बाद जहाँ पर इंड स्क्रीन जो लगाने का जो फीचर होता है, वहीं पर आपको एक फीचर आ जाता है रिलेटेड वीडियो। तो बस आपको रिलेटेड वीडियो के साइड में जो पेंसिल का ऑप्शन है, बस आपको पेंसिल के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको उस सभी वीडियो देखने को मिल जाएंगे जो आपने अपलोड कर रखा है, या तो शॉर्ट्स हो या तो लॉन्ग हो। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मेरे को इस वीडियो को लगाना है, तो आपको जिस भी वीडियो को ऐड करना है, बस आपको उस वीडियो के ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो ब्लॉग वीडियो है, वो जो फुल वीडियो था, वो फाइनली यहाँ पे ऐड हो चुका है। इतना कुछ कर लेने के बाद आपको ऊपर में एक सेव का बटन देखने को मिल जाएगा, बस आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये जो वीडियो है, ये आपके शॉर्ट्स वीडियो में फाइनली ऐड हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो में किसी भी लॉन्ग वीडियो को ऐड कर सकते हो और सिंपली वायरल कर सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं मिलता हूं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टैग किया और बाय।